हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू डिकेश मेडिकेशन हाँ मैंने दीक्षा इंडियन लिटरेचर की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और उसके साथ साथ मैंने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करे फ्रॉम जनवरी 2022 स्पेशली फॉर दोस कैंडिडेट जो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिकॉज दैट इज मेज ऑरिएटेड मोस्टली एंड प्रिलिम्स का भी उसमें होता है बट मेज से जो ज़्यादा ऑरिएटेड होती है ठीक है आपकी कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप देख सकते हो और अगर कोई जैसे सी डी एफ कैट उसकी तैयारी कर रहा है तो वो स्पीड पे सुन सकते हैं मतलब जो फैक्चुअल सा डाटा है उसको सुन सकते हैं और बाकी एवॉयड करना चाहें वैसे एवॉड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई थिंक सी और एफ कैट में भी आगे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं और उन टॉपिक्स पे आपको अपना व्यू देना होता है सो इट माइट हेल्प बट एनी इट्स योर चॉइस कंप्लीटलीके तो आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन द यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद हम कर चुके हैं पहले हमने मंत्र मंत्र पढ़े फिर मंत्रों को सिंगिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया आज हम क्या करेंगे सेक्रीफाइस अब क्या होता है ना ठीक है मंत्र थोड़े बोरिंग हो गए मंत्र जब बोरिंग हुए तो उसको थोड़े लहजे में गाना शुरू कर दिया अब गा भी दिया पर अभी भी तसलीस ही नहीं आई तो उसमें क्या कर दिया ना कि चलो अब सेक्रीफाइसिस करते हैं ये दान करोगे तो आपके साथ ये होगा ये दान करोगे तो आपके साथ ये होगा मतलब दान का कॉन्सेप्ट आ गया ठीक है जो मेरा नाम भी है एनी तो इसमें आप क्या आ गया सेक्रीफाइसेस का आ गया कि आपको अगर ये चीज चाहिए तो आपको ये देनी पड़ेगी जो वो पर्टिकुलर रिचुअल करवाएगा तो जाके वो पूरा होगा और अगर नहीं किया तो मे भी आपके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सो ऑल दीज सेक्रीफाइसेस वर इंक्लूडेड इन साइड योर मैंने आपको बेसिक सा बताया सो so दैट आपको एक आइडिया बन के रहे और ये यजुर्वेद के आज हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे मैंने ये वीडियोस इस तरह से डिजाइन करी हैं कि छोटी रहे और साथ में आपको ऐसे ना लगे कि यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ठीक है अब जैसे हर एक वेद में उपनिषद भी है तो उसका अलग से लेक्चर आएगा इफ यू इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स तो नोट्स में आप उन उपनिषद को जहाँ पे आपने मान लो ऋग्वेदा लिखा है ठीक है उसके जब उपनिषद करेंगे तो वहां पे भी एड कर सकते हो दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस पर मैं रेकमेंड करती हूँ कि अलग से करोगे ना तो ये रहेगा कि इजी रहेगा आप याद करोगे और ग्रेस्प कर पाओगे ठीक है so, सो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं बहुत भाषण हो गया यजुर्वेद यजुर्वेद का जितना भी फैक्चुअल डेटा है वो स्टार्ट करेंगे यजुर्वेद में बेसिकली वर्शिप रिलेटेड नॉलेज आएगी फिर यजु का यजुस जो होता है इसका मीनिंग ही सेक्रीफाइस होता है

वो क्या करेंगे एक रिचुअल भी परफॉर्म करेंगे इन मोस्ट केसेस यज्ञ फायर आपको वो पता होंगे यज्ञ स्वाहा करते हैं सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर से वो आइडिया आगे ओरिजिनेट हुआ है फिर आते हैं दो पार्ट्स हैं इसके यजुर्वेद के एक है आपका कृष्ण और दूसरा है शुक्ला जो कृष्ण है कृष्ण इज एसोसिएटेड विद ब्लैक बोल डार्क कलर था ना कृष्ण का ऑल्सो दैट ऑल्सो लुक सो ब्यूटिफुल ठीक है यहाँ पे रेसिज्म मत फैला देना यहाँ पे सिर्फ पार्ट ही है यजुर्वेद के एक है कृष्णा एक है शुक्ला जो कृष्णा है बेसिकली उसको ब्लैक या डार्क वाला पार्ट बोला जाता है एंड जो शुक्ला है उसको बोला जाता है व्हाइट या ब्राइट वाला पार्ट उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ मंत्रास और राइट्स ऑफ सेक्रिफाइस टू कंडक्ट रिचुअल्स इसमें सारे मंत्र बताए गए हैं कि किसी पर्टिकुलर रिचुअल को अगर आपको आगे प्रोसीड करना है तो उसमें कौन सा सेक्रीफाइस करवाना पड़ेगा तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है एंड फाइनली चार ऐसे कृष्ण यजुर्वेद के अभी वर्जन हैं या यू बोलो लो हैं है यहाँ पे रिसेंशन लिखा है ना रिसेंशन का मतलब ये एडिशन होता है स्पेशली रिवाइज्ड एडिशन जिन एडिशन में थोड़ी बहुत क्या की गई होती है मरम्मत ठीक है उससे समझ लो तो चार ऐसे कृष्ण यजुर्वेद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर क्वेश्चन बन सकता है अभी तक बना नहीं है सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं एक है तैत्रीय संहिता संहिता जहां भी लगा होता है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर पहला है तैत्रीय संहिता दूसरा है मैत्रियानी संहिता तीसरा है कथा संहिता फिर है कपिस्थला टी एम के तैत्रीय मैत्रियानी कथा कपिस्थला मैं ट्रिक्स में ज्यादा बिलीव नहीं करती बिकॉज जो चीजें ऐसे ही याद हो सकती हैं वो करी जा सकती हैं मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कि कैसे कैसे कोई चीज आई है और से मैंने हर चीज बताई होती है तो यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग देखो अभी तैत मैत्री कथा कपिस्थला इसको ना पांच छह बार शीशे के सामने बोलोगे ना आपको वैसे याद हो जाएंगे ठीक है तैतृ मैत्रियानी कथा कपिस्थला कईयों को तो अभी भी हो गए होंगे जिनकी ग्रेस्पिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है वो इजिली ग्रेस्प कर पाते हैं ठीक है वाइल कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है तो प्रैक्टिस करने में क्या प्रॉब्लम है आपको काम क्या है और पढ़ने के अलावा कोई काम थोड़ी है ठीक है सो तैत मनी कथा कपिस्थला सो दीज आर द फोर रिवाइज्ड एडिशन ऑफ कृष्ण यजुर्वेद जो फर्स्ट पार्ट था कृष्णा वाला इसका पार्ट है ये ठीक इस है इसमें चार रिवाइज एडिशन है तो दिस इज ऑल अबाउट योर यजुर्वेद अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वेद बचता है दैट इज योर अथर वेद फिर उसके बाद ब्राह्मणास अरयकाज वो सब हम शुरू कर देंगे ठीक है सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट फ्रॉम माई साइड टिल नाउ। अगर कोई और पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट जो यजुर्वेद का हाइम्स है इसके अंदर जो श्लोक है इसके अंदर वो ये माना जाता है एटीन के अराउंड है बट नंबर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो यू डोंट हैव एनी नीड टू गो इन सच डिटेल बिकॉज जी एस पेपर है नॉट अ ऑप्शनल जिनका ऑप्शनल होता है उनको डिटेल में करनी पड़ती हैं चीज़ें ठीक है सो दिस इज इट वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू हैव अ नाइस टे